कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सभी लोग फर्स्ट क्लास होंगे। आज हमारे पास है Redmi Note 12 Pro। इस फोन के कैमरा के अंदर बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स हैं। इस वीडियो में कैमरा फीचर्स के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद अच्छी तरीके से आप लोग कैमरा को इस्तेमाल कर पाओगे। कैमरा ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आप लोगों को दिखाई देगा। यहाँ पे आप लोग अल्ट्रावाइड से पिक्चर खींच पाओगे और 2x का जूम दिया गया है। ऊपर में AI सेंसर है। AI का मतलब ये है, अगर आप एक पेड़ का पिक्चर खींच रहे हो तो ये फोन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और उस तरीके से ऑप्टिमाइज करके देगा। लेंस का कमाल का फीचर्स है। लेंस के अंदर आओगे, ओपन कैमरा के लिए बोलेगा, यहाँ पे परमिशन वगैरह डाल देना, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा। बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट आप देख रहे हो और आप जानते नहीं हो उस प्रोडक्ट का नाम क्या है या कहाँ पे मिलता है या कितना प्राइस है, ये सब को जानने के लिए उस प्रोडक्ट का पिक्चर खींच लीजिए या यहाँ से आप लोग अपलोड कर सकते हो और साथ में टैप कर देना। यहाँ पे सब कुछ खुल के आ जाएगा कि कहाँ पे मिलता है, कितना प्राइस है या इसका नाम क्या है, सब कुछ आ जाएगा। टेक्स्ट के अंदर आ जाना। कोई भी सामान अगर आप लोगों को कॉपी करना है, जैसे कि इंग्लिश में कुछ भी लिखा है, ये जो इंग्लिश में लिखा है मैं चाहता हूँ इसको कॉपी करना, तो इसको कॉपी कैसे करें, उसके लिए उसका एक पिक्चर यहाँ पे खींच लूंगा और यहाँ से ऑटोमेटिकली मैं कॉपी कर पाऊंगा। ट्रांसलेट में थोड़ा सा अलग है, कोई भी लैंग्वेज आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है उस लैंग्वेज का यहाँ पे पिक्चर खींच लीजिए और ट्रांसलेट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगा आप जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो। थ्री डॉट में आ जाना। थ्री डॉट में भी यहाँ पे फ्रेम दिया गया है, कोई भी फ्रेम में आप पिक्चर वगैरह खींच पाओगे। उसके साथ साथ यहाँ पे टाइमर वगैरह दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को मैक्रो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आके आप लोग मैक्रो पिक्चर सैंपल खींच पाओगे। सेटिंग के अंदर आओगे, यहाँ पे वाटरमार्क मार्क दिखाई देगा, डिवाइस वाटरमार्क मार्क को इनेबल कर देना। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, कोई भी पिक्चर अगर आप खींचते हो और पिक्चर के नीचे एक नाम लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए Redmi Note 12 Pro 5G, तो इस तरीके से नाम लिखा हुआ आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हो इस तरीके से वाटरमार्क मार्क, तो इसको इनेबल करके जरूर रखना। रोटेट मोड में आने के बाद एक कमाल का फीचर्स है, ये जो ब्लर है उसको कंट्रोल तो कर पाओगे, लेकिन कोई भी पिक्चर आप लोग यहाँ पे खींच लीजिए और उसके बाद यहाँ पे आके आप लोग उसी जो ब्लर है उसको आप लोग कंट्रोल कर पाओगे, ये मेरे को काफी अच्छा लगा है। नाइट मोड का ऑप्शन है और नाइट मोड में अल्ट्रावाइड पिक्चर भी खींच पाओगे। मोर में जाने के बाद यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड सेंसर है और डेडिकेटेड सेंसर से ही आप लोगों को 50 मेगापिक्सल से खींचना पड़ेगा, ताकि जूम करने से थोड़ा सा जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो, घटे ना। ब्लॉग मोड दिया गया है, बेसिकली ब्लॉगिंग मोड में जाने के लिए डाउनलोड करना पड़ेगा। जब डाउनलोड हो जाएगा ना, एक अलग अलग पार्ट आ जाएगा, तो आप एक एक पार्ट को शूट कर लेना, उसके बाद एक साथ ऑटोमेटिकली ये फोन जोड़ देगा और ब्लॉगिंग मोड स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग देख पाओगे। मैं आप लोगों को ब्लॉगिंग मोड का एक वीडियो बना के यहाँ पे लगा दूंगा, आप लोग और भी क्लियर तरीके से समझ पाओगे कि ब्लॉगिंग मोड होता क्या है, किस तरीके से एक काम करता है। स्लो मोशन में जाने के बाद यहाँ पे स्लो मोशन का पिक्चर वगैरह आप लोग यहाँ पे खींच सकते हो, पिक्चर नहीं वीडियो निकाल सकते हो। टाइम लैप्स का भी ऑप्शन दिया गया है। फोटो के अंदर यहाँ पे थ्री डॉट के अंदर आने के बाद सेटिंग में आओगे ना, सेटिंग में और भी कुछ फीचर्स है, जैसे कि टैप टू टेक अ फोटो, यानी कि इसको ऑन करने के बाद अगर आप टैप करोगे तो ऑटोमेटिकली देख लीजिए एक पिक्चर क्लिक हो जाएगा। यहाँ पे वीडियो के अंदर आ जाना है। थ्री डॉट के अंदर आओगे तो यहाँ पे 4K 30 FPS का ऑप्शन दिया है, फुल HD 60 FPS करके भी आप लोग वीडियो खींच सकते हो। उससे भी बड़ी बात, यहाँ पे माइक्रो सेंसर का ऑप्शन दिया है, माइक्रो सैंपल से आप लोग वीडियो खींच पाओगे, लेकिन वो सिर्फ HD करके, फुल HD का ऑप्शन माइक्रो में नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट्स का पिक्चर वगैरह खींचना अच्छा आएगा, क्वालिटी भी अच्छा रहेगा। प्रो मोड तभी यूज करना अगर आप लोग कैमरा में प्रो हो, यानी कि DSLR वगैरह ज्यादा इस्तेमाल करते हो मैनुअल मोड में, तो प्रो मोड को इस्तेमाल करके पिक्चर खींचना अच्छा पिक्चर आता है। गैलरी के अंदर आ जाना है। गैलरी के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है। कोई भी पिक्चर के अंदर आ जाना है। मैं आप लोगों को बोला था बैकग्राउंड जो ब्लर है उसको कंट्रोल कर पाओगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर टैप करोगे, ये जो बैकग्राउंड ब्लर है ना उसको आप लोग यहाँ पे ज्यादा या कम कर सकते हो। मेरा अभी प्लेन है तो उसकी वजह से आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग यहाँ पे आके कंट्रोल कर पाओगे। AI का ऑप्शन दिखाई देगा और इरेस का ऑप्शन दिखाई देगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ भी चीज को इरेस कर पाओगे। ये जो Redmi Note 12 Pro 5G लिखा हुआ है इसके ऊपर आप लोग इस तरीके से ड्रॉ कर देना, ये ऑटोमेटिकली इरेस हो जाएगा। ये जो वाटर मार्क आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, अगर आप लोगों को यहाँ पे पसंद नहीं है, मिडिल में रखना है वो भी पॉसिबल है। उसके लिए आप लोगों को एडिट के अंदर आना है, यहाँ पे AI के अंदर आना है और उसके ऊपर वाटर मार्क के ऊपर टैप करके कहीं भी मूव करवा दीजिए और यहाँ पे सेव कर दीजिए। अभी देखिए जो वाटर मार्क है वो मिडिल में आ चुका है, तो इस तरीके से वाटर मार्क को भी आप पोजीशन में ला सकते हो। कोई भी पिक्चर वगैरह हाइड करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे फाइल मैनेजर के अंदर आना है, थ्री डॉट के अंदर आना है, प्राइवेट फाइल के अंदर आना है, सेट के ऊपर टैप करके पासवर्ड वगैरह सिलेक्ट करके कोई भी पिक्चर वीडियो या डॉक्यूमेंट्स को बहुत आसानी से हाइड भी कर पाओगे। गैलरी के अंदर कोई भी पिक्चर वगैरह गलती से अगर डिलीट कर दे तो उसको रिटर्न ले आने के लिए एल्बम के अंदर आना है, यहाँ पे ट्रस्ट बिन दिखाई देगा और यहाँ पे आने के बाद इसी पिक्चर को आप लोग रिलोड भी कर सकते हो या रिस्टार्ट भी कर सकते हो और ये 30 डेज तक रहता
सकता है कोई भी सामान डिलीट करने के बाद। पिक्चर को कॉलेज बना सकते हो, थ्री डॉट के अंदर आ जाना है, कॉलेज के अंदर आना है और पिक्चर वगैरह सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आके सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टिक कर दीजिए, देखिए कॉलेज हो गया है। तो इस तरीके से आप लोग कॉलेज भी बना सकते हो, बहुत आसान है। थ्री डॉट में यहाँ पे और भी बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि यहाँ पे लिस्ट व्यू दिखाई देगा, क्लिप दिखाई देगा, फ्री ऑफ स्पेस दिखाई देगा, इसको भी आप लोग यूज कर सकते हो। ये था Redmi Note 12 Pro का कैमरा फीचर्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।